दोस्तों, क्या आपको भी एक ही ऐप्स को बार बार इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना पड़ता है और साथ में उसके लिए आपको डाटा खर्च करना पड़ता है और टाइम भी खर्च करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब अपना डाटा जो है खत्म करने की जरूरत नहीं है, अब ये आप कर सकते हैं बिना इंटरनेट के ही। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं मन्नू और आप देख रहे हैं मन्नू जॉन। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा जान लेते हैं ये इंस्टॉल और अनइंस्टॉल का क्या लोचा है। तो दोस्तों, कई बार जाने अनजाने में हमसे कोई ऐसी ऐप इंस्टॉल हो जाती है जो कि हमारे लिए बहुत ही खास होती है और साथ में वो काफी ज्यादा MB की भी होती है, जिसे हमें अपना काफी ज्यादा डाटा खर्च करना पड़ता है और साथ में उसे इंस्टॉल करने में टाइम भी लगता है। या फिर किसी किसी के साथ में ऐसा भी होता है कि एक ही ऐप को बार बार अपने फोन में इंस्टॉल करना पड़ता है, यानी बुलाना पड़ता है और बार बार उसे लात मारकर बाहर निकाल देना पड़ता है। यानी जब उसका काम हो जाता है तो भैया उसकी और कोई भी काम नहीं होती है। जिस काम के लिए बुलाते हो, भैया तुम काम करो और तुम बाहर निकल जाओ यहाँ से। फिर जो है हमें जब काम लगती है तो फिर हमें जो है उसके लिए डाटा खर्च करना पड़ता है और साथ में टाइम भी खर्च करना पड़ता है। या फिर कई लोगों के फोन में स्टोरेज कम होती है और वो कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं और उसका फोन कहता है कि नहीं नहीं भैया, ये मैं नहीं करने दूंगा, अगर तुम्हें ये ऐप से वफा करना है तो बाकी इतने MB को जो है क्लियर करना पड़ेगा, इतने सारे एप्लीकेशन को, मतलब इन एप्लीकेशनों से आपको बेवफा होना पड़ेगा, तभी आप इस एप्लीकेशन से वफा कर सकते हो। तो भैया, अगर आपके साथ में भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इन समस्याओं का समाधान है। तो चलो भाई, अब बताते हैं कि इसका समाधान क्या है। तो भाई, इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है ऐप बैकअप एंड रीस्टोर। तो भाई, ये आपको प्ले स्टोर पे आंख मारने से मिल जाएगी। भैया ऐसा नहीं कि प्ले स्टोर खोल के आंख मारते रहना, भैया लिखना पड़ेगा तब मिलेगा। और फिर जब आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लोगे तो फिर क्या करना है कि आप जितने भी एप्लीकेशन को लात मारकर बाहर निकालते हो और जितने भी ऐप्स को बुलाते हो, सभी का एक बैकअप बना लेते हो। तो कई सारी एप्लीकेशन ऐसी होती है जिसे कुछ दिनों के बाद हमें जरूरत पड़ती रहती है और उसे जो है हम अपने फोन पे रख नहीं सकते, तो वैसे एप्लीकेशन को भी आप इसमें बैकअप बना लीजिए ताकि आपको डाटा और टाइम दोनों ही खर्च ना करना पड़े। मतलब भैया, कुल मिला जुला कर बात यह है कि जो भी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करते हो बार बार, उन सभी एप्लीकेशन को आपको बैकअप बना के रख लेना है। और जब आप किसी ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हो और फिर कुछ टाइम के बाद आपको उसकी याद सताने लगती है और लगता है कि नहीं नहीं भैया, मैं तो इसके बगैर रह ही नहीं सकता हूँ, मैं तो अकेला अकेला पड़ जाता हूँ, तो भैया उस वक्त बिना अपने दिल को तड़पाए, बिना टाइम और डाटा गवाए फटाक से ऐप को इंस्टॉल कर लो। भाई, इंस्टॉल कर लेना ये तो मैंने बता दिया, लेकिन इंस्टॉल कैसे करना है ये नहीं बताया। और ये नहीं बताऊंगा तो बाद में आप बोलोगे भैया ये तो आधे रास्ते में ही छोड़ के चला गया, तो आगे ये क्या करेगा। तो चलो अब बता देता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आपको ऐप बैकअप एंड रीस्टोर और एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको वहां पे एक अचीव का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे क्लिक कीजिएगा तो आपने जितने भी सारे एप्लीकेशन के बैकअप रखे थे वहां पे आपको दिख जाएगा वो सारे के सारे। फिर क्या करना है कि जिस भी एप्लीकेशन को आपने अनइंस्टॉल किया था और उसको फिर से अपने फोन में लाना है तो आप उस एप्लीकेशन पे टिक लगाइए और रीस्टोर पे क्लिक कर दीजिए, आपके फोन में इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा और फिर आप उसे इंस्टॉल कर लेना, फिर उस ऐप के साथ में आपको जो मन चाहे वो कर लेना, बस हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर प्लीज वीडियो पसंद आया हो तो लाइक के काले बटन को नीला कर देना, और अगर पसंद नहीं आया हो तो अगली वीडियो देखने जरूर आना यार। और साथ में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वो जो नीचे रेड कलर से वीडियो के नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, उसे ठोक देना लेकिन प्यार से, और साथ में घंटी को भी दबा लेना ताकि चैनल का नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मजेदार टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।